हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं ब्लड अमोनिया टेस्ट, कि ब्लड अमोनिया टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसका प्राइस कितना होता है और इसके घटने और बढ़ने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो, की ब्लड अमोनिया टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, ब्लड अमोनिया टेस्ट, अमोनिया टेस्ट का उपयोग ब्लड में अमोनिया के लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल की जांच करने के लिए ब्लड अमोनिया टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को कुछ अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सीरम अमोनिया भी काफी लोग बोल देते हैं इसको, NH3 जो इसका एक केमिस्ट्री लैंग्वेज नाम बोल सकता हूं मैं यहाँ पर। तो डॉक्टर्स कई बार NH3 भी अमोनिया के लिए लिखते हैं, ठीक है। इस टेस्ट की हेल्प से हेपेटिक एन्सेफलोपैथी जैसी ब्रेन संबंधित डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। यानी कि एक ब्रेन संबंधी एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, ठीक है। यानी उसको पता लगाने के लिए ब्लड अमोनिया टेस्ट कराया जाता है। इस डिजीज के दौरान हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में टॉक्सिक जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन सामान्य रूप से यानी कि नॉर्मल रूप से अपना काम करना बंद कर देता है, यानी प्रॉपर तरीके से हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में मौजूद माइक्रो ऑर्गन्स यानी कि काफी सूक्ष्म जीव प्रोटीन को अवशोषित करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अमोनिया लीवर द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो अमोनिया है वो लीवर द्वारा यूरिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस या लिवर सोसिस जैसी कंडीशन के कारण लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना बंद कर देता है, यानी पूरी तरह से यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और हमारे शरीर में क्या है कि जो अमोनिया का लेवल है फ्रेंड्स वो अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स कि अमोनिया का बढ़ा हुआ लेवल, जो अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ गया है तो ब्लड के द्वारा हमारे ब्रेन में जा सकता है, जिसके कारण हमें ब्रेन संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यानी कि हमें कोई ना कोई हमारे मस्तिष्क संबंधित समस्याएं कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, जैसे कौन कौन सी, भटकाव होना, ठीक है, नींद आना, बहुत ज्यादा नींद आना, थकान महसूस करना, कोमा में चला जाना कई बार, और यहां तक कि कभी कभी अगर ये ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है तो वहां पर पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। आगे बात करें फ्रेंड्स की यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर मतलब एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है हमारा जो शरीर में एक एंजाइम की कमी हो जाती है जो अमोनिया को हटाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की अमोनिया का जो टेस्ट है ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, किस किस कंडीशन में डॉक्टर्स अमोनिया टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कि कोई लिवर या कोई ब्रेन संबंधित कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम्स तो डॉक्टर को लग रही है तो उस कंडीशन में ये टेस्ट कराया जा सकता है। लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लिवर का जो फंक्शन है उसे जांचने के लिए भी ये टेस्ट कराया जा सकता है। कोई मानसिक उलझनों का पता लगाने के लिए भी फ्रेंड्स ये टेस्ट कराया जा सकता है, ये जानने के लिए कि अगर किसी पेशेंट का लिवर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ट्रीटमेंट में कोई कमी आ रही है, तो वो जानने के लिए भी ये टेस्ट कराया जा सकता है। रेयर सिंड्रोम को पहचानने के लिए भी ये टेस्ट कराया जा सकता है, रेयर सिंड्रोम का अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका भी पता लगाने के लिए कि वो कितना मतलब असरदार है, ठीक है। लिवर डैमेज होने के खतरे का पता लगाने के लिए भी फ्रेंड्स ये टेस्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बच्चों में, कि बच्चों में अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है तब भी डॉक्टर ये टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, चिड़चिड़ापन महसूस करना या चिड़चिड़ापन होना, बच्चे के अंदर कई बार दौरे पड़ना, सुस्ती या गहरी नींद आना। तो फ्रेंड्स इन अगर इस तरह के सिम्टम्स कुछ बच्चों में एक हफ्ते या उससे अधिक अगर महसूस होते हैं डॉक्टर्स को तब ये टेस्ट कराने की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स
तो ये जो टेस्ट है इसके अलावा कई बार क्या है, जैसे हैजा, हैजा एक बीमारी होती है, उसमें भी ये टेस्ट, और फिर फ्रेंड्स चिकन फॉक्स अगर किसी बच्चे को हो गया है तब भी फ्रेंड्स डॉक्टर ये टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहां पर कि इस टेस्ट का सैंपल कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अमोनिया का जो सैंपल है वो ज्यादातर खाली पेट यानी कि मॉर्निंग टाइम पर लिया जाता है, और अगर आप कोई स्मोकिंग वगैरह या कोई ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो फ्रेंड्स जिस दिन ये टेस्ट कराना होता है उससे पहले या उस टाइम पर ये इस तरह की चीजें ना लें। कोई भी आप सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन, कोई किसी तरीके का अगर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आप ले रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर्स को एक बार जरूर बता दें। नॉर्मली इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है ईडीटीए ट्यूब के अंदर, ज्यादातर लैब्स इसको ईडीटीए यानी कि होल ब्लड से जो अमोनिया टेस्ट है इसको करती हैं, और इसको लेने के बाद फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको प्लाज्मा निकाला जाता है इसका, और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए लैब भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसके रिजल्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का और इस टेस्ट का भी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपको इस टेस्ट के रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स अमोनिया टेस्ट का जो रिजल्ट है, तो फ्रेंड्स अमोनिया टेस्ट का जो रिजल्ट है वो पेशेंट की एज, उसके जेंडर और पेशेंट के स्वास्थ्य संबंधित पिछली कंडीशन और टेस्ट किस तरह से किया गया है, इन सभी पर के आधार पर मतलब एक तरीके से बात करें तो अलग अलग हो सकता है। यानी कि अगर बच्चे की एज में चेंजेस है या बच्चा है, एडल्ट है, या मतलब या मेल है, फीमेल है, या पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उन पर भी इस टेस्ट का रिजल्ट डिपेंड करता है। बात करें हम इसकी नॉर्मल रेंज की, तो फ्रेंड्स इसकी जो नॉर्मल रेंज है एडल्ट के अंदर तो 10 से लेकर 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, अब वही बात करें हम छोटे बच्चों में, यानी कि अगर कोई 2 ईयर से छोटा बच्चा है तो उसके अंदर इसकी जो वैल्यू रह जाती है वो 19 से लेकर 60 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और फ्रेंड्स बात करें हम यहां पर कि अगर 10 डेज से लेकर 2 ईयर्स का बच्चा है तो 68 से लेकर 136 एमसीजी पर डीएल होती है, और अगर 0 से लेकर 10 डेज के बीच में बात करें हम तो 170 से लेकर 341 एमसीजी पर डीएल रहती है। तो ये फ्रेंड्स इसकी नॉर्मल रेंज होती है, बाकी थोड़ा सा ये नॉर्मल रेंज लैब टू लैब चेंज भी हो सकती है। तो अगर इनके बीच में हमारा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल की, कि अगर किसी पेशेंट का अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आता है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। फ्रेंड्स टेस्ट के रिजल्ट आमतौर पर मतलब होता है कि आपके शरीर में अमोनिया का जो लेवल है वो नॉर्मल से अधिक हो गया है। यानी कि अगर एबनॉर्मल रिजल्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी का जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ गया है तो उसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है इसमें लिवर डैमेज होना। ठीक है, लिवर डिजीज, सिरोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस में भी फ्रेंड्स ये बढ़ सकता है, हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाए तब भी ये बढ़ सकता है, रे सिंड्रोम में भी बढ़ सकता है, हार्ट फेल या किडनी खराब, किडनी डिजीज में भी फ्रेंड्स ये बढ़ सकता है, सेलिवेटिक पॉइजनिंग में भी फ्रेंड्स ये बढ़ सकता है, और कोई हमारा यूरिया सर्किल कोई इस तरह का कोई डिसऑर्डर है उसमें ये बढ़ सकता है, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाना। तो इन सभी कंडीशनों में आगे बात करें हम एक पॉइंट और है यहाँ पर कि पोटेशियस म्यूराबिलिसिस नामक बैक्टीरिया, यानी कि इससे क्या होता है हमारे यूरिन ट्रैक में इंफेक्शन हो जाता है। तो इन सभी कंडीशनों में फ्रेंड्स ये बढ़ जाता है अमोनिया का लेवल। बच्चों में अमोनिया की जो शिकायत है कि जेनेटिक यूरिया साइकिल के एंजाइम की कमी के कारण भी फ्रेंड्स हो सकता है। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस टेस्ट के प्राइस की, इस टेस्ट का प्राइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो लगभग 1000 से लेकर 1500 के बीच में इसका प्राइस रहता है, यानी कि 1000 से 1500 रुपए के बीच में, बाकी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर किसी ने ये टेस्ट कराया है और उसकी रिपोर्ट अगर अप डाउन आ रही है तो प्लीज अपने डॉक्टर्स को एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन या कोई भी इस तरह की मतलब अपने आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।